हाय फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वर्मा और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स एंड कि आप सब इतना प्यार करते हो, इतना सब सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए दिल से आपको थैंक यू। एंड लास्ट टाइम मैंने जो मैजिक जो किया था वो मिल के साथ किया था, तो आज जो मैं आपको मैजिक शो करूँगा तो वो हमारा रुपीज़ के साथ होगा और पेन के साथ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो पेन है, देखो पेन को तो मैं आपको शो करता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे पास पेन है, अब देखिए ध्यान से, इस पेन से हम मैजिक करेंगे और इसके साथ साथ हम रुपीज़ हमें चाहिए। फ्रेंड्स ये हमारे पास 500 का जो नोट है इसके साथ हम मैजिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखिए, और ये नोट है और हमने इस पेन को इसमें से, फ्रेंड्स देखिए हमने पेन को इसमें से इस तरह से पार किया। तो फ्रेंड्स आप देखिए ध्यान से कि जो नोट है उसमें से पेन पार हो गया है, आप देख सकते हो क्लोजली से। और फिर से क्लोजली को दिखा दें, देखो फ्रेंड्स ये मतलब नोट इसमें से पार हो गया, नोट में से पेन पार हो गया, सॉरी। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि मैं इस पेन को इसमें से पेन को इस तरह से खींचूं तो क्या होगा। फ्रेंड्स आप सभी सोच सकते हो कि नोट फट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ से इसको पेन को पकड़ा और नोट को ऐसे लिया, और फ्रेंड्स ध्यान से आप देखना, ये पेन है देख लो और ये नोट है, मैंने ऐसे यहाँ से पकड़ा हुआ है और मैंने इसको फ्रेंड्स जी मैंने इस तरह से किया। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नोट फट जाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग भी नोट फट जाना चाहिए, बट फ्रेंड्स हम देखते हैं पेन को तो कुछ नहीं हुआ, पेन तो हमारा ये है। अब नोट की बात करते हैं। फ्रेंड्स अब ध्यान से देखो, मैं चेंज नहीं कर रहा नोट को, अब ध्यान से देखो ये वो नोट है और मेरा हैंड ओपन है बिल्कुल। अब देखिए फ्रेंड्स ये वो नोट था, और देखिए फ्रेंड्स नोट जो है बिल्कुल हमारा जैसे हमारा नोट पहले था बिल्कुल ऐसा ही नोट है हमारे पास। इवन इसमें एक सिंगल होल भी नहीं हुआ, अब देखो ध्यान से फ्रेंड्स इसमें एक सिंगल होल भी नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैजिक था, क्या बोलोगे इस मैजिक को? मैं तो इस मैजिक के बारे में बोलूँगा जी गज़ब था मैजिक, गज़ब। तो फ्रेंड्स आपको यदि मेरा मैजिक बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने जो फैमिली के साथ आप शेयर कीजिए, और सभी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और तो फ्रेंड्स मैं मैजिक जो मैंने किया था उसकी ट्रिक को रिवील करता हूँ कि मैंने मैजिक को कैसे किया था। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स जो मेरे पास जो पेन था ना, ये कोई स्पेशल पेन है, ऑर्डिनरी पेन नहीं है, स्पेशल पेन है। देखो किसी पास थोड़ा ये जो देखो मैग्नेटिक पेन है, अब देखो फ्रेंड्स मैग्नेटिक पेन है, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है इसके अंदर ही, देखो ये मैग्नेटिक पेन है फ्रेंड्स। तो जब मैंने इस नोट में से पार किया तो इस नोट को मैं लेने से पहले जैसे कि मैंने पहले इस पेन को इस तरह से अपने हाथ में ऐसे कर लिया, हाफ हाफ पेन इस तरह से हो गया बिकॉज मैग्नेट है, और मैंने ऐसे नोट को लिया, इस नोट को फ्रेंड्स मैंने इसके ऐसे होल्ड किया और ये हाफ पेन था फिलहाल, मैंने इसको इस तरह से किया पेन को। तो देखो फ्रेंड मैग्नेट है तो इसलिए आवाज़ भी आती है, मैग्नेट होगी देखो फ्रेंड्स आवाज़ भी आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने किया, अब आप समझ ही सकते हो फ्रेंड्स कि जब मैग्नेट होगा तो ऐसे मूव भी करेगा। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे हटाया, आपको आवाज़ भी आई होगी, और फ्रेंड्स हमारे नोट जो था हमारे पास उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये मैजिक किया था, और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी वीडियो जिससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं तो वो आपको शो करूं, और आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए दिल से एक बार फिर से आपको थैंक यू। थैंक्स फ्रेंड्स।